हेलो दोस्तों, ऑटो ट्यूब इंडिया में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा सफारी स्टॉर्म की, या क्लासिक भी बोल सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये बिम्बल डिजाइन द्वारा कंप्यूटर से रिक्रिएट किया गया है। ऐसी कोई सफारी आ नहीं रही है, लेकिन ये एक कॉन्सेप्ट है जो बिम्बल डिजाइन ने प्रेजेंट किया है, जिसमें आप अगर हेडलाइट को देखेंगे तो एक नई डिजाइन मिलती है। इसकी जो ग्रिल है वो सफारी से, जो न्यू सफारी है उससे ली गई है। वहीं अगर हम फॉग लैंप्स को देखें तो ये एल्ट्रॉस से ली गई है। साइड में अगर एलॉय व्हील्स को देखें तो ये भी न्यू सफारी से 18 इंच के नजर आ रहे हैं। इसके अलावा क्लासिक की बैजिंग है, मुझे लगता है यहाँ पे स्टॉर्म की भी बैजिंग रहती तो अच्छा रहता। हालांकि बिम्बल डिजाइन ने इसको उठाया है स्कॉर्पियो क्लासिक से, क्योंकि अब स्कॉर्पियो एन नया रूप में आ गई है और स्कॉर्पियो क्लासिक सेल की जाती है। और मुझे लगता है कि बिम्बल डिजाइन ने भी यही कोशिश की है समझाने की कि टाटा एक रीथिंक करे और अपनी पुरानी सफारी को वापस ले आए। और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल अच्छी सोच है और इसका फायदा भी मिल सकता है, क्योंकि इसमें आपको 4x4 का भी ऑप्शंस मिलता है। और सबसे खास बात यह है कि जो इसकी बॉक्सी डिजाइन है ये काफी लोगों को पसंद आती है और इसकी एक अलग ही फैन फॉलोइंग है। टाटा को मुझे लगता है कि बिल्कुल सोचना चाहिए इस बॉक्सी एसयूवी को या सफारी स्टॉर्म को वापस लाने के लिए। मुझे लगता है सफारी स्टॉर्म जो नाम है वो बिल्कुल परफेक्ट है, उसको रिक्रिएट रिबॉर्न किया जा सकता है। और टाटा ऑलरेडी एक सेफ प्रोडक्ट बनाता है, बस उसको ज़रूरत है कि नए कुछ फीचर्स उसमें, मॉडर्न फीचर्स ऐड कर दें। और अगर नया इंजन और गियर बॉक्स उसमें ऐड कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी अनबीटेबल प्रोडक्ट बन जाएगा। दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं।